Good morning, Mom. Good morning, Nani. Good morning. Good morning, Ayush. अरे संभाल के भाई, क्या हो गया? अविनाश से झगड़ा हुआ है क्या? Mom, really? Please. अविनाश इतने important भी नहीं. So just forget. आप ये बताइए breakfast में क्या है? नीलम तो important है ना, उसे आने दे, फिर साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं. Of course, Mom, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि breakfast में क्या है. Relax. Mom, आप चल के क्यों आ रही हैं? आप व्हीलचेयर पे क्यों नहीं है मासी? अब बेटर फील कर रहे हैं इसलिए, और वैसे भी चोट हमारे सर पे है, पैर में नहीं. Mom, बट फिर भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना. ऋषि, हमने कहा ना, अब हम बेटर फील कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मामी. गुड मॉर्निंग. आप भी बैठ जाइए. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मॉम. किरण, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ नीलम, तुम कैसी हो? अब बेटर फील कर रहे हैं, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि सब हमारी इतनी केयर कर रहे हैं. करेंगे क्यों नहीं, सब प्यार जो करते हैं आपसे इतना. गुड टू सी यू बैक. तुम बैठो ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो. आप क्या लोगी बताओ, क्या खाओगी? मलिष्का, तुम्हें क्या हुआ? मैं कल रात से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन ही नहीं ले रही हो. कितने कॉल किए मैंने? मैं एक्चुअली पुणे गई थी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, वरना मैं रात को यहाँ आ जाती. अनुष्का, बाय द वे, वो लड़की क्या नाम है उसका, पारो, मिली कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला. चलेगा भी नहीं, क्योंकि वो सच में अपनी माँ लक्ष्मी के साथ भाग गई है. और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है. लक्ष्मी उस पारो को अपने साथ ले जा रही थी एक बस में बिठाकर. मैं उस समय बस डिपो क्रॉस कर रही थी. God, look at her. कितनी चालाक और शातिर है लड़की. हम सबके सामने प्रिटेंड कर रही थी एज इफ पारो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और खुद उसे भगा कर ले गई. पर ऐसा कैसे हो सकता है? Exactly, ये कैसे पॉसिबल है? और गई कहाँ होंगी? और कहाँ गई होगी, अपने गाँव ही गई होगी. नहीं, जिस बस में वो जा रही थी उस बस में कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था. मैं समझ नहीं पाई ना, मैं पढ़ सकती हूँ, बट डेफिनेटली वो कहाँ गई ये नहीं पता, लेकिन अपने गांव तो नहीं गई है. साउथ इंडिया? लेकिन लक्ष्मी वहाँ क्यों गई और क्या करेगी, कहाँ जाएगी वहाँ? एनीवे, छोपी है. मैंने कहा था ना आप लोगों से कि वो भाग गई होगी. देखा, वो भाग गई है. नहीं, एक और बार ट्राई करते. निंग सांग, ये देखो तुम्हारा फेवरेट वड़ा पाव. अच्छा इशिता, वड़ा पाव. मेरे ना कन्नवन कन्नवन आया है. ना अपरमा काल पन्नार. ओके बाय. क्या है? तुमने झूठ क्यों कहा उससे? कन्नवन आए, मैं कन्नवन थोड़ी हूँ, मैं तो ऋषि हूँ तुम्हारा. लक्ष्मी, तुम झूठ कह रही थी ना उससे. और ये क्या तेरा मिला चिप, क्या क्या बात कर रही थी तुम उससे? दूसरी लैंग्वेज में मेरी बुराई कर रही थी, है ना? सब जानता हूँ मैं. ऋषि, ना ही मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी, और ना ही मैंने तुम्हारा नाम गलत बताया, और ना ही मैंने कोई झूठ बोला है. झूठ बोला है तुमने? तुमने गलत नाम बताया मेरा. मैं कन्नवन हुई नहीं, मैं तो ऋषि हूँ. तुम्हें पता भी है कन्नवन क्या होता है? हाँ. बुद्धू कहीं के. कन्नवन मतलब पति. तमिल में पति को कन्नवन कहते हैं. मैं अपनी फ्रेंड इशिता से बात कर रही थी, वो साउथ इंडियन है, तो वो मुझे कुछ कुछ सिखा रही थी. पर ठीक है, तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे कन्नवन रहो, तो मैं तुम्हें कन्नवन नहीं मानूंगी. क्यों नहीं मानूंगी कन्नवन? मैं तो तुम्हारा पनवन चननम खननम पटनम सब हूँ. तुम मानोगी मुझे सब कुछ, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा PSPLP. PSPLP मतलब? बुद्धू, PSPLP नहीं पता? अरे पति, साथी, प्रेमी, लाइफ, प्यार, मैं हूँ तुम्हारा. नहीं, तुम कुछ नहीं. कुछ नहीं हूँ? पक्का? हाँ. बैठो. अच्छा वैसे ये इशिता फ्रेंड कब बनी तुम्हारी? अरे वो पंजाब स्कूल की फ्रेंड है, इशिता स्वामीनाथन. कमाल है, तुम पंजाब दी कुड़ी हो और तुमने तमिल फ्रेंड बना ली. अरे वो हमारे पंजाब में रहते थे, उनकी पूरी फैमिली. उनके पापा का ना ट्रांसफर हुआ था वहाँ पे, तो बस तब से वो मेरी दोस्त बन गई. और तुम्हें पता है वो ना रोज अपने बालों में गजरा लगाती थी, इतनी सुंदर लगती थी ना वो. और वो हमारे पूरे स्कूल में ना एक ही साउथ इंडियन लड़की थी. तो बस तब से वो मेरी फ्रेंड है. ओके. इशिता स्वामीनाथन. फिर वो लोग वापस अपने गांव चले गए, तिरुबसुंदरम. 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 हाँ. हाँ.